बदल 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 अरे उठना यार उठ बदल उठ। अरे क्या है बे? अरे लिली कहाँ गई? लिली तो गई प्यारे, तुम्हारी माँ का खत आया है। क्या लिखा है पढ़ यार। प्यारे बेटे बादल, खुश रहो। बहुत खुश हूँ माँ। आजकल तुम्हारी बहुत याद आती है। काटे दिया, काम की बात करो, माल कब आ रहा है? बेटे माल वाल कुछ नहीं आ रहा है, लिखा है इम्तिहान के बाद सीधे घर चले आओ। ये सब रवि भाई साहब की मेहरबानी लगती है। चलो यार सतीश, बुढ़िया से मिल आते हैं। कम ऑन बेबी, आउट बेबी, आउट आउट। ओ अबे रुक जा यार, मैं आ रहा हूं, मैं आता हूं। देख मैं कहता हूँ सतीश, मेरी सिगरेट की पाकेट निकाले तो चलियो का मोटरसाइकिल से नीचे फेंक दूंगा। अबे मैं यहां याद करेगा कि पाला पड़ा ये ले। अबे अबे बादल बादल, अबे देखना क्या माल है। ए! अरे अरे ये ऊपर काहे चढ़े आत हो, इतना रास्ता पड़ा है दिखाया नहीं देख का। अरे तुझसे नजर हटे तो रास्ता देखो ना महुआ। ये ढक्कन उतारो आपसे तो दिखाई दे है, ये मुफ्त का माल है का? अरे तो घर पर आ जाना, कीमत भी चुका दूंगा। क्यों? जब ये फल इतना मीठा है तो सफर का फल कितना मीठा होगा यार। ये मगर और फिर बुजुर्गों के सामने तो ये हरकत नहीं कर सकते ना। कॉलेज बंद है? थे तो नहीं, कर दिए गए। वो मैसूर या मद्रास के साथ बॉर्डर का झगड़ा चल रहा है, उस सिलसिले में हम लोगों ने कॉलेज में हड़ताल करा दी। तुम्हें कॉलेज भेजा था पढ़ने के लिए, हड़ताल कराने के लिए नहीं। ना लुक रवि, खाम खा बाप बनने की कोशिश मत करो। मैं कोई दूध पीता बच्चे नहीं हूं। दूध पीते बच्चे तो नहीं रहे, हाँ गांजा पीते लोफर जरूर बन गए हो। अपने औकात मत भूलो रवि, तुम्हें सड़क से उठा के घर लाए थे पालने के लिए, मालिक बनाने के लिए नहीं। बादल शर्म नहीं आती बड़े भाई से इस तरह बात करते हुए? तूने इसे पाला है, जानता है ये ना होता तो आज हमारा क्या होता? जानता हूँ माँ, अच्छी तरह जानता हूँ। बरसों से यही सुनता आ रहा हूँ पिताजी के बाद, इसी ने रुपया पैसा जायदाद सब संभाला, सारा बिजनेस देखा, तब क्या हुआ? कौन सा एहसान किया हम पर, किसी कुत्ते को भी रोटी डालो तो वो भी दरवाजे के बाहर पैदा देने लगता है। साले को जान से मार डालूंगा, देख लेना। इसी पे हंस पाऊंगा पिस्तौल अपना, गोली मार के छोड़ छोड़ना यार, दफा कर उसे। ये पिस्तौल मेरे हवाले कर दे, सीधे कॉलेज से निकालेंगे, अब घर से निकलेगा, कल उसके बाप का। क्या हुआ मुआ? रवि बाबू हम गिरे पड़ी है पेड़ से, हमारे पाँव में मोच आ गई। रवि बाबू हमका डॉक्टर करने ले जाओ। मुआ तेरी मोच को हम अच्छी तरह समझने लगे। हम सच कहते हैं राम कसम, वो देखो हुआ से गिरी है, उतने ऊंचे से कहो गिरी है तो का पैर में मोच ना आए हैं। तुम हो कूद के देखो टांग ना टूटे तो बोलो हमका। तुझे ऊपर चढ़ने के लिए किसने कहा था? अरे तो हम कौन हो खुशी से चढ़े, वो शेर दिख गवा था, दूसरा हमार पीछे भागा, हम दौड़कर पेड़ पे चढ़ गए रहे। शेर? हाँ। यहाँ? हाँ। इस जंगल में? और का राम कसम। देख मरवा,
ये झूठ मूठ राम की कसम मत खाया कर, वरना एक दिन सचमुच रावण आएगा और उड़ा कर ले जाएगा और तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। चल चल उधर। तो का हम का झूठ बोले थे? आए बड़े तुलसीदास, हम का रामायण सुना थे। क्यों महुआ, बड़े भैया ने कान खींच लिया, बहुत तकलीफ हुई होगी ना? तो का हुआ, छोटे भैया जो हैं, हमार सब तकलीफ दूर कर दे हैं। क्यों नहीं, सब तकलीफ दूर कर दूंगा, लेकिन तुम मिले तब ना। और फिर रवि में क्या रखा है? की धरा है रवि बाबू माँ, समझे छोटे भैया? देख लूंगा महुआ। शीतल, बहुत दिनों के बाद देखा तुम्हें, कैसी हो? उनके आजकल स्कूल में बहुत काम रहता है? जी हाँ, काम तो रहता ही है, आप भी तो काफी बिजी होंगे अपने काम में। हाँ रहता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम मिल भी ना सकें। आओ तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ, स्कूल जा रही हो ना? शुक्रिया, मैं इधर से चली जाऊंगी। अच्छा तो कल स्कूल के बाद बच्चों की रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। शीतल जी, तुम कुछ, सब कुछ ठीक तो है ना? जी हाँ, मैं कल आऊंगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। शीतल, हेलो फादर। शीतल मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए। मेरे साथ चलो। जी मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। जो कुछ मुझे तुमसे कहना है वो भी बहुत जरूरी है। आओ शीतल। शीतल, कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी ये झिझक, ये परेशानी मैं अच्छी तरह समझता हूं। और सच पूछो तो मैंने भी बहुत कोशिश की कि और पास आकर तुम्हें परेशान न करूं, लेकिन लेकिन तुम बहुत करीब आ गई हो शीतल, इतने करीब कि चुपचाप उठ के जाए ना क्या। इसलिए आज मजबूर होकर तुमसे कहने आया हूं कि मैं अगर मैं तुम्हारे हालात ना जानता तो शायद अपनी बात तुमसे कभी ना कहता। शीतल मैं तुम्हें चाहता हूं, प्यार करता हूं, और ये कहते मुझे कोई पाप महसूस नहीं होता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, घर ले जाना चाहता हूं। नहीं रे बाबू, ये मुमकिन नहीं, इसीलिए तुम्हें चुपचाप आपके रास्ते से हट जाने की कोशिश कर रही थी। क्यों क्यों मुमकिन नहीं? अरे बाबू आप तो जानते हैं, मेरी पिछली सारी जिंदगी जानते हैं, मेरे साथ दीपू है जिसके लिए मुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ा, क्या कुछ नहीं कहा लोगों ने। मैं जानती हूं आप उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपसे, मुन्नी से बहुत हिल गया है, लेकिन लेकिन आपका अपना भी तो एक संसार है। मेरा और कौन सा संसार है? बस एक मुन्नी है जिसे तुम्हारी जरूरत है, जिसे एक माँ चाहिए, जिसे एक भाई से प्यार हो गया। बस तुम आ जाओ, हम अपना एक संसार बसा सकते हैं। नहीं रे बाबू, दुनिया की बातें जो आप तक अकेले सहते रहे हो, कल आपको भी सहनी पड़ेगा। मुझे किसी दुनिया का डर नहीं शीतल, और फिर दुनिया के डर से कोई जीना थोड़ी छोड़ देता है। अगर हमें अपने दुख पे रोने का हक है
तो फिर अपने सुख पर हंसने का अधिकार भी तो है। याद नहीं, हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। राज यही कहा करता था ना, यही सिखाया था ना उसने।